नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जिले के खागा तहसील क्षेत्र कुकुरा गांव का मामला सामने आया है, जहां पर खागा से जुड़े इतिहास बताया जा रहा है, जो खागा से पश्चिम 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे लाइन के दक्षिण दिशा में एक झील है, जिसके एक तरफ राजा का किला तो दूसरी ओर रानी का किला ऊंचा भीटा पुरानी ईंटों और बर्तन खुदाई में देखने को मिलते। आप लोगों को बता दें कि अगर लोगों की माने तो दौलत के पुजारी या फिर कहें कि बहुत बड़े लोगों के द्वारा उन ऐतिहासिक भीटों की मिट्टी खोदने के बाद खागा में पुराई के उपयोग में लाई जा रही थी। और गांव वालों की माने तो रात में 2 JCB मशीन और 1 दर्जन ट्रैक्टर चलते रहे हैं। और कुकुरा तिलकापुर तो पूरी तरह से धूल दूषित हो गया है। बताते हैं कि रात में दर्जनों तांत्रिक अपने अपने तंत्र मंत्र यंत्र का प्रयोग कर चुके हैं, जिसमें बताते हैं कि लगभग 5-6 फुट के मिट्टी के बर्तन निकल चुके हैं, जिसमें राख और कौड़ी ही होंत आई हैं। और गांव वालों मीडिया द्वारा प्रकरण ओपन हुआ, तब से काम बंद चल रहा है। आए सुने क्या कहा प्रवीण कुमार पांडेय ने और ग्रामीण ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। इनमें किसी भी प्रकार की कुछ गुदाई भी नहीं है, और कई इतिहासकारों से बात हुई तो उनका कहना है कि लगभग 2000 साल पुरानी ईंटें हो सकती हैं। और ये शोध का विषय है कि पुरातत्व विभाग द्वारा जब इनका कार्बन डेटिंग होगी तभी इसकी सही जानकारी हो पाएगी कि कितनी पुरानी ईंटें हो सकती हैं। चारों तरफ अभी भी दीवारों का आप देख सकते, पूरी तरह से दीवार बनी हुई है। अगर इसको अच्छे से जो है संरक्षण संवर्धन हम लोग के माध्यम से किया जाए तो ये जो इतिहास है, जो मिट्टी में दबा है, लोग इसको धीरे धीरे करके खोद ले गए और हम इससे परिचित हो सकते हैं। और निश्चित तौर पर एक बहुत ही पुरानी संस्कृति हम सब से बहुत दूर है। पिताजी मतलब लॉन पालते थे, 10-12 लोग गांव के, और उसको खुदवा रहे थे तो वहाँ से जब उन्हें बर्रैया निकलने लगी और गांव में बंदूकन का फायरिंग हो रही है, अच्छा, तो सब छोड़ छोड़ के भाग गए और गांव का तो कुछ नहीं। अच्छा। तो वही यह सब माया रचे कि इस तरह की माया रचें तो सब छोड़ के भाग जाएं अपने अपने घर। अच्छा, यहाँ रात में कई बार खुदाई हो चुकी है? कई बार हो चुकी है, मगर माया पाए नहीं। माया पाए नहीं, क्या कारण है, क्यों नहीं पाते हैं? जीवधारी है। अच्छा, जीवधारी है। अच्छा, जैसे इधर सुना जा रहा है कि वहाँ भी खुदाई में कुछ निकला है। निकला होगा, मतलब रात में खुदाई होती है वहाँ, गांव क्या देखने जाएंगे क्या? अब जो कोई रहेगा वही जानेगा क्या निकला है क्या नहीं। हमारे पिताजी बताते थे जानवर चरा रहे थे और उसको मारने के चक्कर में कई लोग आधा से मार रहे थे, लेकिन मार नहीं पाए, वो सार्फ बिली में घुस गया है। अच्छा, तो जीवधारी तो समझो। यहाँ माया एक ऐसी है कोई एक दरे नहीं रहती है। अच्छा, अच्छा। वो इधर उधर नाचती रहती है, तांत्रिक लोग बताते हैं। लगभग 2 किलोमीटर दूर है, ससुर खदेरी नदी किनारा है, जितनी भी पुरानी संस्कृत रही है नदियों के, वो सब नदियों के ही किनारे रही हैं। तो ये बहुत ही पुराना इतिहास है जो अभी भी अनकही अनसुझी पहलियों से जो है भरा हुआ है जी, और इतिहासकारों की नज़रों से दूर है। निश्चित तौर पर जिस दिन माँ सरस्वती की कृपा से किसी इतिहासकार की नज़र पड़ेगी, इस इतिहास को हम सबके सामने लाने का ऐतिहासिक काम आप सबके माध्यम से होगा। कुआं मिले हैं यहाँ बस्ती, एक मतलब रहते कुआं मिला है, पानी पीने वाले कुआं दो, एक किनारे मिले थे और एक गेहूँ वाले में मिले थे, ऊपर चले वाले मतलब कुआं से बाउंड्री मिली थी, ऐसा पूरा हुआ कोई बाउंड्री मिली थी यानी जगत मिला। ये मिट्टी पुराई मतलब गुणवत्ता वाली नहीं, क्योंकि ये सब मिक्स है, ये पुरानी मिट्टी है, नोना वाली है, ये कमजोर मिट्टी है, मतलब मारी मिट्टी नोना वाली है ना, ये ईटा मिक्स है तो उस तरह से कहाँ कसावट। पूरी तरह से ये टीला उपेक्षित था,
बहुत ऊंचा रेतीला था, इसको खेत पट्टा कर दिए गए, तब से इसकी बड़ी दुर्गत हो गई। कायदे से इसका पुरातत्व विभाग इसको अपने कब्जे में, और यहाँ कायदे से खुदाई करता तो इसका एक नया इतिहास प्रकाश में आता। और ये पूरी तरह से नदी भी यहाँ बहती है, पूरी तरह से जो एक नगर होते हैं जिस प्रकार बसते हैं उस प्रकार का ये नगर बसा हुआ था, और यही खागा की बुनियाद भी है। बिल्कुल, खागा नगर की यही बुनियाद है। किसी को न अपने गांव की रोड की चिंता है, न वहां पर रोड पहुंचे उसकी चिंता है, न वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं हो उसकी चिंता है, न वहां पर चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा की चिंता है। तो ऐसा क्या बात है कि हम लोग इस राजनीतिक कुचक्र में शामिल हो गए? तो